मेरा नाम मेहुल अग्रवाल, मैं कक्षा 9वीं बेटों का छात्र गीता निकेतन आवासीय विद्यालय पढ़ता हूँ। आज मैं आपको स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो इसके बारे में कुछ चर्चा करने आया हूँ। और आज का हमारा उद्देश्य है स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। सबसे पहले आज हम अपने साबुनों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साबुन, यह पतंजलि का साबुन और यह पियर्स का साबुन। यह पतंजलि का साबुन हमारे भारत देश में बना हुआ है, इसीलिए हमें इसे अपनाना है। और ये पियर्स का साबुन भारत में नहीं बना, यह कहीं विदेश में बना है, इसीलिए हमें इसका बहिष्कार करना है। उसके बाद हम आते हैं पावर बीटा और बॉर्नविटा में। ये पावर बीटा पतंजलि का है और ये भारत में बना और ये स्वदेशी है। और ये बॉर्नविटा ये भारत से बाहर मतलब विदेश में बना हुआ है, इसीलिए हमें इस पावर बीटा को अपनाना है और इस बोन बीटा को बहिष्कार करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने शैम्पू पर। शैम्पू भी दो प्रकार के हैं, एक है डव और एक है क्लिनिक प्लस। ये क्लिनिक प्लस हमारे स्वदेश मतलब भारत देश में बना हुआ है और ये भारत की कंपनी के द्वारा बना हुआ है, इसीलिए हमें इसे अपनाना है और इस विदेशी डव शैम्पू को बहिष्कार करना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज के युग में और आज के समय में बहुत ही मायने रखती है, जो है हैंड वॉश। हैंड वॉश तो दो प्रकार के हैं, एक है सेवलॉन हैंड वॉश और एक है डेटॉल हैंड वॉश। ये सेवलॉन हैंड वॉश हमारे स्वदेश भारत देश में बना हुआ है, इसीलिए कृपा करके सेवलॉन हैंड वॉश का ही यूज़ करें। और ये डेटॉल हैंड वॉश, ये डेटॉल हैंड वॉश स्वदेश में नहीं विदेश में बना हुआ है, इसीलिए इसका बहिष्कार करें। अब हमें स्वदेशी को इसलिए अपनाना है क्योंकि ये सारे स्वदेशी प्रोडक्ट का पैसा हमारे भारत सरकार को मिलता है और वह सरकार जनता की भलाई में यूज़फुल होती है। और यह विदेशी सामान का सारा पैसा विदेश जाता है, इसीलिए हमें विदेशी को नहीं अपनाना और स्वदेशी को अपनाना है। और हमारा लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें स्वदेशी अपनाएं और विदेशी को बहिष्कार करें। धन्यवाद। अभी हमारे देश में कोरोना का दौर चल रहा है, इसीलिए अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे देश को बहुत उन्नति होगी, इसीलिए हमें स्वदेशी अपनाना है और स्वदेशी का ही यूज़ करना है।